Assalamu alaikum everyone, this is Sharoz Kamran from the platform of Jaidan Network. जी उम्मीद रखता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे. जो आज की वीडियो है वो ऑटोग्राफ प्रोजेक्ट के ऊपर है बाई H&S, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स प्राइजेस, के इसकी प्राइजेस में फ़र्क कब और कैसे आया. प्लस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स ट्रेंट डेवलपमेंट स्टेटस, के ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद अभी इसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है. प्लस इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज़, के व्यूज़ के मुताबिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अपार्टमेंट बेहतर है, और प्लस इसकी जो अवेलेबल इन्वेंट्री है कि इसकी इन्वेंट्री कितने परसेंट बिकी हुई है और अभी पीछे कितनी रहती है. तो अगर तो हम इसकी प्राइजेस पे थोड़ा सा नज़र डालें तो इसकी जो प्राइजेस थी, जैसे कि जो टू बेडरूम अपार्टमेंट था फॉर एग्जांपल, जैसे कि 1450 स्क्वायर फीट का, जो कि 20,000 जिसका स्क्वायर फीट रेट था, वो पिछले महीने 2-2,000 पर स्क्वायर फीट रेट हर अपार्टमेंट के ऊपर बढ़ गया था. यानी कि सीधा सीधा आप देखेंगे 10% इंक्रीमेंट प्राइजेस में आ गया हुआ था इनके प्राइजेस के अंदर, जैसा कि. और उम्मीद यही है कि ईद के, जैसे ईद गुजर चुकी है और इंशाल्लाह इनकी प्राइजेस फिर से मज़ीद बढ़ जानी है. अगर हम इसकी ऑफिशियल लॉन्च देखें, जो कि PC होटल के इन्होंने किया था 1 जून को 2022 में, इनका जो ऑफिशियल लॉन्च हुआ था PC होटल में, और बड़ा शानदार लॉन्च था, बड़ा अच्छा खूबसूरत इवेंट था. और 11 तारीख को इनकी ऑफिशियल ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, और 11 तारीख से आज की तारीख तक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका जो अभी इसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, तो आपको एक ड्रोन व्यू में भी नज़र आ जाएगा वीडियो, और इसका करंट डेवलपमेंट स्टेटस कि ये अपनी डेवलपमेंट इनकी किस स्पीड से जा रही है. थोड़ा सा अगर हम इसकी इन्वेंट्री पे अगर थोड़ी सी नज़र डालें तो अप्रॉक्सीमेटली इनकी 50% इन्वेंट्री सोल्ड होगी हुई है. जैसा कि वन बेड इज़ टोटली सोल्ड आउट, मेरे ख्याल से एक यूनिट भी शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन वन बेड इज़ टोटली सोल्ड आउट. टू बेड, थ्री बेड अवेलेबल हैं, ठीक है. और इनकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 45-50% अप्रॉक्सीमेटली इन्वेंट्री इनकी सोल्ड हो गई है, और यही वजह है कि इसकी प्राइजेस बढ़ जानी है तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बीच बीच में. तो अगर हम इसका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस देखें ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज़, के व्यूज़ के मुताबिक कौन सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट या साइट कौन सी बेहतर है, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा. जैसे कि ऑटोग्राफ की जो फ्रंट साइड है इट्स फेसिंग रिंग रोड, इसकी जो बैक साइड है अस्करी 11 को फेस करती है, राइट साइड इज फेसिंग डॉल्बिन मॉल, और राइट लेफ्ट साइड जो है इसकी M एक्सटेंशन में है. तो अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस या पर्सनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कि एक तो रिंग रोड फेसिंग जो अपार्टमेंट्स हैं वो बेहतरीन है, ऑब्वियसली एक तो सामने रिंग रोड है उसकी एक उस वजह से भी आप कह सकते हैं, और इसकी बैक साइड वाले अपार्टमेंट जो कि अस्करी को फेस करते हैं, और यहाँ जो कॉर्नर के जो अपार्टमेंट आ जाते हैं जो अस्करी को भी फेस करते हैं, प्लस वो डॉल्बिन को भी फेस करते हैं. और जब भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लें, बेसिकली ये दो साइट्स क्यों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं, क्योंकि जब भी कभी भी एंड यूज़र आता है या इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली किसी भी प्रोजेक्ट में उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है, उसकी प्राइजेस बड़ी मैटर करती हैं, और उसके अंदर इमेनिटीज़ क्या हैं. आप अपार्टमेंट तो कहीं दरमियान में भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपनी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़नी है. और कहीं भी आप अपना इवन दो प्लॉट भी लेने जाएँ, तो आप हमेशा यही कहेंगे कि मेरा जो प्लॉट है कॉर्नर का होना चाहिए, पार्क फेसिंग होना चाहिए, कि आपको एक बेहतर से बेहतर लोकेशन चाहिए होती. तो एंड यूज़र या इन्वेस्टर या आसानी से चीज़ लिक्विडेट होने के लिए, ऑब्वियसली अगर उसकी लोकेशन है तो आपको एक अपने मुताबिक प्राइजेस भी उसके ऊपर मिल जाती हैं. अभी जैसे कि वन बेड जो है टोटली सोल्ड आउट है, कुछ लोग रीसेल करते हैं, काफ़ी दे आर आस्किंग फॉर अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ओन मनी, मार्केट में भी चल रहा है ओन मनी. तो बेहतर यही है कि या तो अस्करी वाली साइड जो अस्करी को फेस करते हैं वो अपार्टमेंट्स लिए जाएँ, या रिंग रोड को, और सबसे बड़ी बात सबसे टॉप फ्लोर्स पे जितना आप जाएंगे वो आपको ज़्यादा इन फ्यूचर प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं. उम्मीद रखता हूँ जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन ऑटोग्राफ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन,
और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।